हाय गाइस, दिस इज बैक टू माय चैनल। आप सबको बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जन्माष्टमी का पोस्टर डिजाइन करने वाला है। तो आप सब कुछ हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि जन्माष्टमी का पोस्टर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आप वीडियो का एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। साथ तो भाई की इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का भी वहाँ से ज्वाइन कीजिए। आपको बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से आपको दो चीज़ मिलेगा, एक मिलेगा पीडीएफ फाइल और एक ब्लैक पीएनजी मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें उस फाइल का पासवर्ड इस वीडियो के माध्यम से 4 स्टेप में आपको मिलेगा। तो क्या करना है कि आपको पासवर्ड के ध्यान से लगाकर देखकर और लगा लेना है, एडिट कर लेना है। एडिट करने के बाद आपको क्या करना है कि इसको पीडीएफ फाइल ऐड कर लीजिए। वहाँ पर सारा चीज़ एक एक पीएनजी लगाया गया है और इसमें अगर पीडीएफ फाइल ऐड करना नहीं आता है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पीडीएफ फाइल कैसे ऐड करते हैं उसका भी मतलब मिल जाएगा। अदरवाइज कुछ भी करने नहीं आता है तो ब्लैक पीएनजी जो मिलेगा अब क्या करना है उसे यूज कर लेना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग यूज करेंगे यहाँ पिक्सेल है, पिक्सेल लैब की यहाँ पर देख सकते हैं, मेरा स्क्रीन पे एक पिक्सेल लैब है। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बट प्ले स्टोर भी अवेलेबल, जहाँ से आपको इच्छा करें वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद से आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। फर्स्ट टाइम ओपन किया जाएगा तो आपको क्या करना है कि डायरेक्ट इसको हम बताते हैं कि इसको क्या करना है कि डिलीट कर देना है। डिलीट करने के लिए आपको डिलीट का ऑप्शन पर या कॉर्नर पर ऑप्शन मिल जाएगा, डिलीट का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। करने के बाद से आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक ओके का ऑप्शन आ जाएगा, इस ओके पर क्लिक कर देना है। करने के बाद से आपको इस तरह का हम लोग इंटरफेस बन जाएगा। आपको एक मिलेगा ब्लैक पीएनजी, उसका क्या कहना है कि यहाँ से थ्री डॉट लाइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा फर्स्ट में आपको यहाँ पर यूज फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद से आपको क्या कीजिएगा, अपना गैलरी में चले जाइएगा। जाने के बाद से आपको क्या करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद से आपको क्या बताते जाएंगे कि प्रोसेस क्या करना है। आपको मिलेगा इस तरह का एक ब्लैक पीएनजी जिसमें काफ़ी बेहतरीन तरीके से डिजाइनिंग किया गया है। इसमें सारा चीज़ ओके है, बॉर्डर फोर्डर जितना भी लगाना था लगा दिए हैं। आपको क्या करना है कि आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद से आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अपना इमेजेस लगाना है और यहाँ पर सारा चीज़ अपना डिटेल फेल यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर चले फटाफट से मैं क्या करूँ, हाँ ध्यान रहे जो यहाँ पर आप फोटो लगाइएगा यहाँ पर नीचे धुंधला होना चाहिए और यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन किस्से तभी सेट होगा। ठीक है, चलिए मैं वहाँ उसको फोटो सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर प्लस का आइकन पर देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से आपको मिल जाएगा यहाँ पर फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन, इस फ्रॉम गैलरी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप चले जाइए गैलरी में, फिर से अपना पीएनजी सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको फोटो सेलेक्ट कर ले, मैं यहाँ पर फोटो सेलेक्ट कर लिया हूँ। करने के बाद से आपको देख सकते हैं इस साइड है तो आपको इस साइड रोटेट कर लेना है। करने के बाद से मूव कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि अच्छे से क्रॉप कर लेना है और देख सकते हैं नीचे धुंधला किया गया है, जो करना है राइट क्लिक कर देना है। करने के बाद से देख सकते हैं धुंधला कीजिएगा तो इस तरह का आपको कुछ नजर आएगा, जो करना है थोड़ा छोटा कर लेना है, अपने जगह के हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना है। करने के बाद से आपको देखने में काफ़ी बेहतरीन तरीके से लग रहा है। आपको क्या करना है कि इसको यहाँ पर लेयर का ऑप्शन एक मिल जाएगा ऊपर, यहाँ पे देख सकते हैं इस लेयर पर क्या करना है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से आपको इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सारा डिटेल, जो व्यक्ति का इमेज लगाएं तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस एल ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस टेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद से देख सकते हैं यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, एडिट पर क्लिक करना है और इसको टेक्स्ट को डिलीट कर देना है। आप जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए मैं फटाफट से वो भी काम कर लेते हैं। मैं यहाँ पर कुछ दिखाने के लिए आपको नाम लिख लिए हैं, लिखने के बाद ओके करेंगे और इसको क्या करेंगे पकड़ जाएंगे नीचे और स्क्रॉल करेंगे, इधर स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं एक आपको मिल जाएगा पेंडिंग का ऑप्शन, जो यहाँ पे है पेंडिंग का ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और दोनों साइड का थोड़ा थोड़ा इसको स्पेस बढ़ा देंगे 5x6 और उसको राइट क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसी के पास में आपको मिल जाएगा यहाँ पर कलर का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर कलर का ऑप्शन मिलेगा, इस कलर पर क्लिक करना है। आप जो चाहे कलर रख सकते हैं मनपसंद का, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग रखना है। इसको राइट क्लिक करना है, यहाँ पर देख सकते हैं एक आपको मिल जाएगा ए बी फंट के नाम से यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद से अपना मन चाहे जो भी फंट रखना चाहते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, उसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद से अपना यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ और नीचे आपको क्या करना है कि यहाँ पर नीचे कुछ ज़्यादा स्पेस बचा रहा है तो यहाँ पर सोशल मीडिया वगैरह वगैरह जितना भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट बताइए और संडे बॉक्स में आपको आंसर सारा चीज़ मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे शेयर के एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से यहाँ पे देख सकते हैं डिफॉल्ट ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे ये सेलेक्ट रहेगा पीएनजी और इसको करने के सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अल्ट्रासाउंड में सेव टू गैलरी कर लेना। ठीक है, तो इस तरह का मतलब आपको बता दें पीडीएफ कैसे एडिट करना है, थ्री डॉट लाइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हैं
कि नीचे से ऊपर मिल जाएगा आपको थर्ड नंबर यहाँ पर डॉट ओपन पी एन पी फाइल, इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद से आपको आ जाएगा यहाँ पर पी एन पी फाइल में, आपको क्या करना है कि यहाँ पे देख सकते हैं डॉट पी एन पी फाइल लिखा है, इस पर क्लिक करना है और अपने जहाँ से भी डाउनलोड कर रखें इसको ऐड कर लेना है। मैं यहाँ पर ऑलरेडी पहले से इसको ऐड कर रखा हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस पर क्लिक कर दिए हैं। क्लिक करने के बाद से करेंगे और बैक चले जाएंगे। बैक जाने के बाद से काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसमें भी ऐड है, और इसमें देख सकते हैं लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पे सारा चीज़ एक एक पीएनजी उपलब्ध है। ठीक है, तो आप जहाँ चाहेंगे वहाँ से यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक वी एंड बाय।